एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक बहतपुर टांडा में स्थित गांव ब्लाक कुदान पड़ा। लगभग 5,000 की आबादी वाला यह गांव जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 10 किलोमीटर है। वर्तमान में गांव के प्रधान फरजाना हैं। वर्तमान प्रधान ने गांव में विकास कार्य बेहतर तरीके से कराए हैं। लगभग 2300 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। वहीं बात अगर गांव तक पहुंचने वाले लाभों की जाए तो उसमें भी यह गांव अव्वल है, क्योंकि यहां के प्रधान ग्रामीणों की मदद के लिए एवं गांव के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 70 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा के बदहाल इंतजाम को बयां करने के लिए काफी है। बात अगर हम पेयजल आपूर्ति की करें तो गांव में 55 हैंडपंप तथा विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए 150 विद्युत पोल व 12 बिजली ट्रांसफार्मर भी लगवाए गए हैं। साथ ही साथ सोलर लाइटें, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, शौचालय का निर्माण भी वर्तमान प्रधान द्वारा ग्राम निधि से करवाया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव के लिए नाले, पंचायत घर, शमशान घाट, पानी की टंकी व प्रधानमंत्री आवास के जल्द से जल्द निर्माण केंद्र भी राज्य सरकार से की है। गांव में काफी हमने अपनी जान स्तर में पूरी पूरी कोशिश करी और आरसीसी टेल्स स्कूलों में काफी मरम्मत कार्य कर चल रहा और ज्यादातर हमारे गाँव में समस्या पानी की भी कुछ की है। विकास की नाले पहले से बने हुए हैं, बेकार पड़े हैं, ना ही इतना जो है स्वीकृति हो पा रही है धन की। तो मैं ये की सरकार से गुजारिश करूँगा कि जो है पानी की व्यवस्था जिससे गांव के बाहर जाने की हो जाए, नाले बन जाए तो स्वच्छता कुछ दिखाई दे। और हमारे ग्राम पंचायत में काफ़ी लोग अभी जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिससे उनके पास अभी अपने पूर्ण रूप से मकान नहीं है। काफ़ी लोग अपना बीपीएल सूची से वंचित रह चुके हैं। तो मेरी दरख्वास्त है सरकार से कि उन गरीबों के नाम जोड़ने का कष्ट करें। मैं और मेरी पत्नी ग्राम प्रधान आप सरकार को बहुत आभारी रहेंगे।